हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेस 180 श्रृंखला के अंदर। और अपन डिस्कस कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी बेटा, आप समझ सकते हो कि जो पृथ्वी के सबसे विकसित पादप है एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी। तो आवर्तबीजी पादपों का जो पादप शरीर है, प्लांट बॉडी, उनके प्लांट ऑर्गन्स है, पादप अंग है, उनकी बाह्य आकार की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनके भौतिक स्वरूप का अपन अध्ययन कर रहे थे, देयर फिजिकल फॉर्म। बिल्कुल, अब तक हम लोगों ने रूट, स्टेम एंड लीफ का डिस्कशन किया था, जो कि वेजिटेटिव पार्ट है। और अब हम स्टडी करेंगे अबाउट फ्लावर। बिल्कुल, जो कि साइट है रिप्रोडक्शन की। सीधी सी बात है बेटा कि सबसे पहले जो मुख्य पादप काय होता है एंजियोस्पर्म का, आवर्तबीजी पादपों का, वो डोमिनेंट फेज जो प्रभावी पादप का होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुविद होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्लांट बॉडी 100% डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। सबसे पहले आपने रूट सिस्टम पढ़ा, रूट की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी, उसके प्राइमरी फंक्शन की बात की आपने, उसके बाद कुछ फंक्शन के लिए मॉडिफाई होती है। बिल्कुल, यस बेटा। उसके बाद साथ आप जानते हैं कि रूट सिस्टम दो टाइप का आपने पढ़ा, कि टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, और रूट दो टाइप की होती है, टैप रूट और एडवेंटियस रूट। बिल्कुल, क्लियर। उसके बाद आपने स्टेम पे आ गए, तो स्टेम आप समझ सकते हैं कि तो अबव द ग्राउंड जो प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पोर्शन है, स्टेम मेन एक्सिस, जो बाकी फ्लावर आप जानते हैं बेटा कि ब्रांच, लीव्स और सबको आप बियर करेगा, धारण करेगा। बिल्कुल। फिर अपन एक बात करते हैं बेटा कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एक रिक्वायर्ड मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद, yes, यानी एक आवश्यक न्यूनतम कायिक वृद्धि जो रिक्वायर्ड होती है, एक न्यूनतम कायिक वृद्धि हो जाती है तो उसके पश्चात जैसा प्लांट है, अगर वो एक वर्षीय है तो कुछ महीनों की कायिक वृद्धि के बाद, अगर वो द्विवर्षीय है तो आप समझ सकते हैं कि एक सीजन की कायिक वृद्धि के बाद, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद, और अगर वो पेरेनियल प्लांट है, बहुवर्षीय है, तो 2-3 साल की, 2-3 ईयर की वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेजिटेटिव ग्रोथ होती है न्यूनतम कायिक वृद्धि के बाद, जब मैच्योर लीफ, वहां आपको जानते हो सनलाइट को लेगी फाइटोक्रोम, तो एक काल्पनिक हार्मोन फ्लोरिजन, और उस मैच्योर लीफ से वो आपका जाएगा कायिक प्रोसेस पे, यानी आप जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम पे, वहां आप जानते हैं कि वेजिटेटिव मेरिस्टेम जो कायिक प्रो है वो कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम जननिक प्रो में। और जननिक प्रो का मीन है कि अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगी, तो फिर वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड जब खिलेगी तो फ्लावर। तो आप समझ सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लावर, पुष्प है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की जो इकाई है, लैंगिक जनन जो स्थल है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल, वो आप समझ सकते हैं फ्लावर है, फ्लावर है, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है फ्लावर। और फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन बात करते हैं भाई कैसे फ्लावर बॉर्न होगा। फ्लावर बॉर्न होगा उसके बाद आप समझ सकते हैं जो इन्फ्लोरेंस फॉर्म में वो अरेंज होता है, फिर आप समझ सकते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गायनोसियम क्या है, तो दो तो आप जानते हो साइक चक्र होते हैं, कैलिक्स कोरोला भाई, जो कैलिक्स कोरोला है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ सहायता करते हैं, तो ये सहायक हो गए। और आप समझ सकते हैं कि जो मैन सेक्स ऑर्गन इसेंशियल है, आवश्यक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम, सिंगल मेल सेक्स ऑर्गन यानी सिंगल यूनिट जो है स्टेमन, स्टेमन। और आप जानते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोसियम, यूनिट आपकी कार्पल, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि स्टेमन कार्पल। और फिर वहां आप जानते हैं बेटा कि पूरा अपन जो प्लेसेंटेशन होता है और सब ओवरी के अंदर कैसे अरेंज होते हैं ओव्यूल्स, तो वो सारा अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। आप इसी क्रम में सबसे पहले फ्लावर, फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, फिर सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री क्या है, उसका कैसे अरेंजमेंट है, फिर जो फ्लोरल वूर्ल है, जो पुष्प के पुष्पीय अंग है उनका थैलेमस पे इंसर्शन, यानी जो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस कंडीशन है वो क्या है। उसके पश्चात आप समझ सकते हैं बेटा कि जो फ्लावर के पार्ट्स हैं तो उन सबका अपन स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, तो ध्यान दीजिएगा, ए फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय, एक पुष्प परो का रूपांतरण होता है, बिल्कुल, किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, मतलब जो परो है वो ही रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण कर रहा है, कैसे करता है, अभी सर अपन ने डिस्कस किया था, बिल्कुल, कि पौधों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आने से पहले आप जानते हैं न्यूनतम कायिक वृद्धि की आवश्यकता होती है, तो रिक्वायर्ड ए मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि अपने स्टेम डिस्कस किया था और स्टेम को अपन ने बिल्कुल डिफरेंशिएट बताया नोड और इंटरनोड, बिल्कुल, हमने कहा था कि साहब स्टेम में बहुत सारी नोड होती है और दो नोड के बीच का जो स्पेस है वो इंटरनोड होता है, इंटरनोड, बिल्कुल। अपन ने बात की थी भाई लीफ है ना, लीफ वो एपिकल मेरिस्टेम से, लीफ प्राइमोर्डिया एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हुई है, लेकिन फिर वो अटैच कहां होती है, नोड पर, स्टेम के नोड रीजन पे, और उसके आप जानते हैं कि जो ऑल्डर लीव्स होती हैं वो तो बेस पे, और जो
न्यू यंग लीव्स होती है ऊपर होती है, लीफ का अरेंजमेंट हमेशा एक्रोपिटल होता है, एक्रोपिटल होता है। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक्जिलरी बड है, एक्जिलरी बड है जो वैसे ब्रांच डेवलप करती है, बिल्कुल क्लियर। अब आप जानते हो जब एक मैच्योर लीफ हो जाती है, मैच्योर लीफ, तो एक मैच्योर लीफ आप जानते हो कि ये सनलाइट इंसिडेंट होती है, सनलाइट आपतित होती है, मतलब सनलाइट के लिए संवेदना सिर्फ पत्ती में पाई जाती है। यहाँ पर अपन बात करेंगे जब मैच्योर लीफ आपकी होती है तो वो जैसे इसमें एक फाइटोक्रोम होता है, फाइटोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं करता है, वो फोटोमोर्फोजेनेटिक है, बिल्कुल वो मोर्फोजेनेसिस यानी कुछ अंगों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बिल्कुल। तो एक काल्पनिक हार्मोन है, तो आप जानते हैं कि यहाँ जैसे जीन एक्टिवेट होता है तो mRNA और आप एक काल्पनिक हार्मोन आपका बनता है फ्लोरीजन, जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे फ्लोरीजन। तो आप जानते हैं बताया कि फ्लोरीजन आप जानते हैं इस मैच्योर लीफ से इस एपिकल बड पे जाएगा, यहाँ बिल्कुल यहाँ आपका है वेजिटेटिव मेरिस्टेम, यहाँ पर आपका क्या है बेटा वेजिटेटिव मेरिस्टेम। तो वेजिटेटिव मेरिस्टेम यानी काइक प्रो, वेजिटेटिव मेरिस्टेम यानी काइक प्रो, जैसे ही फ्लोरीजन यहाँ जाएगा इस एपिकल पे एक्जिलरी बड पे, तो वो फ्लोरीजन उस वेजिटेटिव मेरिस्टेम को, एक्जिलरी बड वाले वेजिटेटिव मेरिस्टेम को बदल देगा, आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर देगा। मतलब पहले ये जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम था वो लीफ का निर्माण कर सकता था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर फ्लोरीजन हार्मोन आता है तो अब ये निर्माण करेगा फ्लावर का। अब आप जानते हैं कि एक्जिलरी बड वाले मेरिस्टेम को डेवलप करेगा, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है एक्जिलरी बड, है ना। और ये तो आप ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती रहेगी, और ये जो एक्जिलरी बड है ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम है, तो यहां एक्जिलरी बड इनफ्लोरेंस में डेवलप हो जाएगी, और इनफ्लोरेंस फिर आप जानते हो फ्लोरल एक्सिस किसको बियर करेगा, फ्लावर्स को, बिल्कुल। तो फिर उसमें फ्लावर बोर्न होंगे, फ्लावर, क्लियर। तो आप जानते हैं बेटा कि ऐसे फ्लावर आपका बोर्न होता है, तो ध्यान दीजिएगा एक पुष्प प्रोह का रूपांतरण होता है, किसके द्वारा निर्मित होगा, फिर अपना कैसे कहते भी हैं जैसे फ्लावर में ये थैलेमस, तो थैलेमस एक मॉडिफाइड शूट ही है ना, रूपांतरित तना, क्योंकि थैलेमस में नोड इंटरनोड भी पाए जाते हैं। हाँ, और फिर इसकी जब इसको पूरा डिस्टिंक्ट किया गया था, आप जानते हो फर्स्ट नोड से जैसे कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर आप जानते हो कि एंड्रोसियम है, और फाइनली आप जानते हैं क्या गायनोसियम, गायनोसियम ये इस पे डेवलप। और देखो थैलेमस में नोड इंटरनोड है, और नोड इंटरनोड का होना कैरेक्टर स्टेम का है, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में है, सहत है बिल्कुल, इतनी इंटरनोड की लेंथ इतनी डिग्री इतनी कम है, और नोड इतनी कंडेंस देके पर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन कुछ प्लांट में वो प्रोफेसर गोथे ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं बेटा, तो यहाँ देखिएगा कि प्रो का रूपांतर होता है किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम नहीं होगा, नहीं होगा एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल सही। एपिकल मेरिस्टेम में जो एपिकल बड है वो नहीं एक्जिलरी बड, ब्रांच के प्लस पे इन्फ्लोरेंस बना देगी, बिल्कुल क्लियर। तो एपिकल मेरिस्टेम सेल एक सेल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं आपका होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकंड। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल तो कुछ एल्गी वगैरह में होती है, हाँ, जहां फ्लावर भी नहीं होता, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपकी सारी बात होगी, बिल्कुल। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल वोड लाइक कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, बट फ्लावर ऑफ लिली कंटेन फॉलोइंग वोड, प्रत्येक सामान्य पुष्प में चार पुष्पीय चक्र होते हैं जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और दयांग, लेकिन लिली के पुष्प में निम्नलिखित होते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि लिली प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो बाह्य दल है और जो दल है, जो कैलिक्स है और जो कोरोला है, वो आपस में इस तरीके से जॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल। जो बाह्य दल और दल है, जो अपने पास में कैलिक्स कोरोला है, वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं, जिससे जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं परिदल, पेरियंथ इसको बोलते हैं। सीधी आपको एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी है जो आपने बोली सर ने अभी, पेरियंथ यानी जब कैलिक्स और कोरोला आपस में एसोसिएट हो जाए, डिस्टिंक्ट नहीं हो, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो, फर्तक नहीं हो, इनडिस्टिंक्ट फॉर्म में हो, बिल्कुल इनडिस्टिंक्ट हो, यानी आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो एक यूनिट बनाते हैं एनसीईआरटी, सीधी लाइन है लिली में, जो भी लिली सी फैमिली होती है, लिली में गार्लिक या अनियन मोनोकोट की फैमिली है, पेरियंथ उसको आप क्या कहते हैं, पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट, इट मींस इनडिस्टिंक्ट, दे आर नॉट सेपरेट, और वो आपस में फ्यूज होकर एक नई यूनिट आप बनाते हैं पेरियंथ, बिल्कुल। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है टेपल, टेपल टेपल होती है, जैसे कैलिक्स की यूनिट क्या होती है सेपल, बिल्कुल। कोरोला की यूनिट क्या होती है पेटल, पेटल। लेकिन पेरियंथ की क्या होती है टेपल, क्लियर। और वैसे जनरली अगर अपन एक प्रारूपिक पुष्प की बात करें, एक टिपिकल फ्लोर की, तो थैलेमस पे आप जानते हैं फोर फ्लोरल रूट्स, चार पुष्पीय पत्रों का निवेशन इनसर्शन होता आपका होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये बताया कैलिक्स, बिल्कुल सेपल, फिर कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, बिल्कुल क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। तो यहां पर देखो क्या है कि पेरियंथ, बिल्कुल क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि भाई परिदल पुंज, पेरियंथ
एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। पेरियल का मतलब इसमें सेपल और जो पेटल है वो इनडिस्टिंक्ट आपस में मिले हुए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 4। बिल्कुल, हां ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन धतुरा एंड पी व्हिच आर गिवन इन फिगर। चित्र में दिए गए दलविन्यासों में से कौन सा धतुरा और मटर में दलविन्यास होता। बिल्कुल भाई, यहां पर एस्टिवेशन की बात की है तो पहले एस्टिवेशन का मतलब क्या है। बिल्कुल, तो सर अपन बात करते हैं कि देखो फ्लावर, फ्लोर में 4 फ्लोरल वूल होते हैं, 4 पुष्पीय चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जो सेकंड फ्लोरल वूल होता है दैट इज कोरोला, दलपुंज, दलपुंज। और कोरोला, कोरोला की जो यूनिट होती है वो होती है पेटल, पेटल जो पंखुड़ी होती है। बिल्कुल, कलरफुल होती है। हाँ, अगर अपन बात करें अब कोरोला के अंदर पेटल जो है वो आपस में अगर फ्यूज है, उनके किनारे आपस में फ्यूज है तो गैमोपेटलस, और अगर वो फर्तक फर्तक है सेपरेट है तो पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस कंडीशन आपकी होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो पेटल है फ्लोरल बड पर, अदर फ्लोरल रूल के रेफरेंस में, अदर फ्लोरल रूल के रेफरेंस से फ्लोरल बड पर उनका जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स का, दैट इज एस्टिवेशन। बिल्कुल, दैट इज एस्टिवेशन, तो वो एस्टिवेशन होता है। अब यहाँ एस्टिवेशन की टाइप है, यहाँ देखिएगा कि जो पेटल है, पेटल की जो मार्जिन है तो जस्ट टच, या टच कर रहे हैं या ओपन टाइप टच करते हैं, या तो टच भी नहीं कर रहे या फिर जस्ट टच करें। बिल्कुल, तो आप जानते हैं कि जस्ट वो टच करें जो पेटल के मार्जिन है, जस्ट आप जानते हैं कि टच करें, या तो टच करें या बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हो, एकदम सामने हो, ओपन हो, ओपन टाइप या इसको अपन बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरस्पर्सी, कोरस्पर्सी जो आपको जानते हैं कि कैलोट्रोपिस में, मस्टर्ड में, आरजीबोन में आपको दे रखा है, तो आप समझ रहे बेटा कि आपको वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरस्पर्सी। बिल्कुल, फिर यहाँ क्या है देखो, जो पेटल के मार्जिन है ट्विस्टेड, वो आप जानते हैं बेटा कि ओवरलैप करें, एक दूसरे को ओवरलैप करें, ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ओवरलैपिंग करें, अतिव्यापन करें, और ओवरलैपिंग की डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन हो, बिल्कुल एक नियत डायरेक्शन हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, या तो क्लॉकवाइज हो सारी। हाँ, अब ये मार्जिन है, यहाँ अगर बात करें तो ये इसका ये एंड इसको ओवरलैप कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो ओवरलैपिंग की डायरेक्शन पर्टिकुलर है, तो ये आपका होता है ट्विस्टेड। एक पेटल का एक किनारा दूसरे के ऊपर और एक किनारा दूसरे वाले के नीचे, नीचे। और फिर आप जानते हैं जैसे इसको इस वे में बता दिया, इस वे में बता दिया, अगर आप इसको इस वे में बताएं जैसे कि ये एंड इसको कवर करें तो फिर ये इसको, फिर आप जानते हैं कि ये इसको और ये इसको, इसको, तो ये आपका होता है ट्विस्टेड। क्या होता है ट्विस्टेड, जो आप जानते हैं कि मालवेसी फैमिली, बिल्कुल गुड हल जो होता है चाइना रोज, गुड हल में है, लेडी फिंगर में है, लेडी फिंगर उनका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, ये इम्ब्रिगेट है, इसमें भी ओवरलैपिंग है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में आया। और ये वेक्जिलरी है, ये क्या है वेक्जिलरी है, जो आप जानते हो कि फाबेसी फैमिली में, किसमें फाबेसी फैमिली। अब आप समझ सकते हो कि एक तो आपके सामने, एक तो आपके सामने क्या आ गया, यहाँ पर दे रखा है ये दथुरा सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली में तो वाल्वेट होता है, क्या होता है वाल्वेट, और पी ये फाबेसी फैमिली है मटरकुल, तो फाबेसी जो फैमिली वहां पर 100% कौन सा होता है वेक्जिलरी होता है, वेक्जिलरी एस्टिवेशन। तो यहाँ पर बात करेंगे ए एंड डी, बिल्कुल आंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और अपन आगे और इसको पर्टिकुलर इसको सिद्ध करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आगे और भी आएंगे अपने। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रू फॉर द ए बी सी एंड डी टाइप ऑफ एस्टिवेशन गिवन द बिलो, नीचे दिए गए पुष्प दल विन्यास के संबंध में एबीसीडी के संदर्भ में से अभी हमने बात की थी। हाँ। कि साहब अगर यहाँ पर जो पेटल होते हैं, जो दल होते हैं, अगर या तो जस्ट टच करें, हाँ, या बिल्कुल एकदम सामने हो, ओपन हाँ, टाइप के, ओपन टाइप के, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वॉल्वेट, वेल्वेट। और ऐसा एस्टिवेशन जिसमें पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करे और ओवरलैप भी एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर करें, फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में, बहुत अच्छा लाइन देगा पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो, या तो सारी क्लॉकवाइज करें, बिल्कुल, या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग हो, बिल्कुल, तो उसको आप कहते हैं ट्विस्टेड, क्या कहते हैं ट्विस्टेड। जैसे यहाँ पर देख रहे पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये नेक्स्ट वन को बिल्कुल ओवरलैप, सो ऑन, ओवरलैप, 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 तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और यहाँ इम्ब्रिगेट में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल। और वेक्जिलरी में आप जानते हैं कि एक जो पोस्टीरियर यानी पश्च दल होता है उसको आप कहते हो वेक्जिलम स्टैंडर्ड, तो ये आपका होता है वेक्जिलम या स्टैंडर्ड। तो सबसे ये जो लेटरल है ये होते हैं विंग्स, विंग्स, तो टू लेटरल विंग्स, दो पार्श्व पंख होते हैं, और ये जो एंटीरियर है ये आप जानते हो कि जो अग्रदल आपके होते हैं उनको आप कहते हैं कि जो कील, कील क्या कहते हैं कील, तितली आकार, तितली आकार, बटरफ्लाई शेप, या नावाकार बनती है पेप्लियोनेसिस, पेप्लियोनेसिस एस्टिमेशन इसको बोलते हैं, या वेक्जिलम, तो वेक्जिलम स्टैंडर्ड, विंग्स, टू विंग्स एंड टू कील, बिल्कुल 1 2 2
और ये आपस में फ्यूज होते हैं। बाकी ये सबसे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है, जो कई बार क्वेश्चन आपका हो गया मालाकोट, और वो दो विंग्स होते हैं, लेटरल विंग्स होते हैं, वो आगे कील आपकी होती है। तो इसमें आप देखिएगा कि इनके टाइप अगर बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है, वॉल्वेट है, वॉल्वेट है। बी क्या है, ट्विस्टेड है। सी क्या है, इम्ब्रिकेट है। डी क्या है, वैक्सिलरी है। बिल्कुल, तो आप डायग्राम से पहचान जाओगे। इनकी जो डेफिनेशन है और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो अभी एनसीईआरटी से आप साथ साथ में इनको लिख लेंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस करो कि भी जो ट्विस्टेड है उसमें तो फिक्स डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ, और जो इम्ब्रिकेट है ये यहाँ पर रेंडमली अरेंज होगा, नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि देखो ये पोस्चर है ना, पशदल, ये सबसे छोटा है और उसके दोनों ही किनारे देखो ओवरलैप्ड हो रहे हैं, और उसमें क्या एक किनारा किसी से ओवरलैप है तो दूसरा आगे को कर रहा है, ये पीछे से ओवरलैप है तो आगे किसी को कर रहा है, फिर ये आगे नेक्स्ट वन को कर रहा है, फिर देखो ये नेक्स्ट वन को, नेक्स्ट वन को, नेक्स्ट वन को। जैसे मान लो किसी का राइट वाला ऊपर है तो इन सब का राइट वाला ऊपर रहेगा। बिल्कुल, इस तरह ये क्वेश्चन नीट में बार बार है। एक आप जानते हैं कि जो वैक्सिलरी एस्टिमेशन होता है, इसमें जो सबसे बड़ा होता है ये आपका होता है स्टैंडर्ड, बिल्कुल, और ये अनइक्वल साइज का होता बिल्कुल, है बिल्कुल। फिर आप जानते हो टू लेटरल आपके होते हैं विंग्स, और टू एंटीरियर जो आपके होते हैं, टू एंटीरियर आपके होते हैं, वो आपके होते हैं कील। कील, अब आप जानते हो इसमें जो जब सिमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें जो प्लेन का डिटरमिनेशन है, तल का निर्धारण है, ये स्टैंडर्ड करता है, और ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन जो इसके सेंट्रल एक्सिस से पास होगा उसको टू हाल्फ में डिवाइड करेगा, जायगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री आपकी होगी, तो ये वैक्सिलम स्टैंडर्ड आपका होगा, और आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका होगा। यस, तो वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, सेकंड आंसर इसका हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन वैक्सिलरी एस्टिमेशन। अभी मैंने बात की थी, क्लियर कर लिया। सबसे बड़ा ये जो यहां पे सबसे बड़ा है वो या स्टैंडर्ड, उसके बाद में यहां पे दो हो गए लेटरल, लेटरल विंग्स, विंग्स, और उसके बाद में ये जो अपन यहां पर देखते हैं ये यहां पे हो गया कील। कील तो यस देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1। बिल्कुल, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट एस्टिमेशन। तो पी एंड बीन्स यहाँ पे दे रखा है वैक्सिलरी, बिल्कुल सही है। अभी अपने कहा था कि बिल्कुल जो पेपलिनेसी होती है, फाबेसी फैमिली होती है, yes. पी बीन्स या जो भी दालें होती है उनमें आपका वैक्सिलरी एस्टिमेशन होता है। जो पेपिलोनेसी है फाबेसी में ही आपका वैक्सिलरी होता है, बाकी जो केस या गुलमोहर है वहां पर आपका होता है इम्ब्रिगेट होता है, इम्ब्रिगेट एस्टिमेशन आपका होता है। केलोट्रोपिस में वेलवेट, बिल्कुल सही, केलोट्रोपिस में वेलवेट, और गुलमोहर में इम्ब्रिगेट, और गुलमोहर में आपने कहा था कि इम्ब्रिगेट आपकी बात हो गई थी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट अबाउट टू गिवन फिगर। दिए गए चित्र के लिए कितने कथन सही है, बिल्कुल। तो ये लिली प्लांट का लिलीसी फैमिली से रिलेटेड है, उसका फ्लावर है, तो सीधी सी बात है इट रिप्रेजेंट एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। सही बात है कि लिलीसी फैमिली के अंदर त्रिज्या समित, पुष्पी समित, त्रिज्या समित होती है, बिल्कुल। त्रिज्या समित सिमेट्री क्या होती है बेटा, आप समझ सकते हो कि जैसे ये फ्लावर की अपन बात करें इस फॉर्म में, तो अपन बात करते हैं बेटा कि कोई भी वर्टिकल प्लेन जो इसके सेंट्रल एक्स से गुजर रहा है, चाहे वो ऐसे गुजरे, इस फॉर्म में गुजरे या इस फॉर्म में गुजरे, बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको रेडियल हाफ, इन दो इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड कर देता है, या पर ऐसे भी कह सकते हैं जिसको एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। यहां देखिएगा कि ये प्लेन आ जाएगा यूं, या आप जानते हैं कि ये प्लेन आ जाएगा, क्लियर, या ये प्लेन आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आप समझो कि रेडियल सिमेट्री है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बिल्कुल, क्लियर। तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, करेक्ट है। कंटेन वॉल्वेट एस्टिमेशन, वॉल्वेट एस्टिमेशन दिख रहा है आपको, कोर्स पर्सी यहाँ पे, ये भी करेक्ट है। फ्लोर इज ट्राइमेरस, सही बात है कि बेटा जो फ्लोर रूल का अरेंजमेंट है ना, तो रेस्पेक्टिवली किस फॉर्म में होता है, या तो थ्री या थ्री या थ्री के मल्टीप्लाई में, फोर या फोर के मल्टीप्लाई में, फाइव या फाइव के मल्टीप्लाई में, ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, बिल्कुल बेटा। ये जो पेंटामेरस कंडीशन होती है डायकोट्स में होती है ज्यादातर जनरली, और डायकोट में फैमिली ब्रेसिकेसी सरसों, उसमें आपकी होती है टेट्रामेरस, बिल्कुल। बाकी ज्यादातर मोनोकोट में लिलीसी फैमिली, थ्री या थ्री के मल्टीप्लाई में, बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ थ्री आपके होंगे क्या सेपल और कैलिक्स में, और थ्री आपके पेटल होंगे, लेकिन यहाँ तो इनडिस्टिंक्ट है, बिल्कुल। तो पेरियंथ में जो टेपल है थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री, तो हेक्सामेरस या ट्राइमेरस जो लिलीसी फैमिली होती है, ये भी करेक्ट है। फाउंड इन डायकोट प्लांट, बिल्कुल मोनोकोट है, तो आप जानते हैं स्टेमन आर डाइथिकस, बिल्कुल, हाँ, केवल एक मालवेसी फैमिली को छोड़कर सब में स्टेमन डाइथिकस होता है, यानी स्टेमन का जो एंथर होता है, एंथर में बायलोब्ड है ना, बायलोब्ड या
डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजियम आपका होता है, तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका करेक्ट है, तो ए बी सी और ई आपके फोर करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। ए फ्लावर व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्फ्स बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन इट इज कॉल्ड। देखो बच्चों, यहां पर आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी फ्लावर को एक ही प्लेन से टू पार्ट में डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हो गया जायगोमॉर्फिक। और अगर आप किसी फ्लावर को ऐसे किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हो इक्वल टू पार्ट में तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। सीधी सी बात है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो सिमेट्री को आप यहाँ देखो पूरा ही कर लो, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तीन टाइप की सिमेट्री है, तो तीन टाइप। पहले आपका होता है रेडियल सिमेट्री। बिल्कुल, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री या उसको अपन कह सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बिल्कुल, एक्टिनोमॉर्फिक। अभी एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है, तो अभी आपको मैंने बताया कि भी जैसे ये फॉर्म है, क्लियर, और ये फॉर्म है, और आप समझना, अब ये सारे पेटल सेम साइज के हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, तो कोई भी वर्टिकल प्लेन लेकिन इसके सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। तो एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रल एक्सिस कैन बी डिवाइडेड द फ्लावर into equally two parts, radial half। बिल्कुल, यानी आप जानते हैं कि कोई भी ऊर्ध्वतल जो इसके केंद्रक से गुजरता है उसको बिल्कुल दो अरे रूप से दो समान अर्ध भागों में विभाजित कर सकता है, या पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे यूं। बिल्कुल, ऐसे प्लेन आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। बिल्कुल, ये भी आ सकती है, आप समझ रहे, ये भी आ गई, क्लियर। तो ये तो आप, क्योंकि रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक। बिल्कुल, क्लियर। और एक आपका होता है बायलेटरल सिमेट्री। बिल्कुल, तो वो आप जानते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक। बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री कब काम करती है? जब पेटल अनइक्वल साइज के, अनइक्वल साइज के होते हैं। ज्यादातर में पेटल सिमिलर साइज के होते हैं। बिल्कुल, सारे एक ही आकार के होते हैं। जैसे तुम गुलाब में पंखुड़ियां तोड़ते हो, सारे एक ही साइज की होती है। कोई भी फ्लावर में तुम देख लो, चाहे जो पेटल होते हैं एक ही साइज के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पेटल डिफरेंट साइज के होते हैं। पी में होता है, तो आप मटर का फूल देखो तो बायलेटरल सिमेट्री, तो वहां पर देखो कि जैसे आप भी आपने बताया था कि लार्जेस्ट पेटल वेजिलम स्टैंडर्ड, फिर टू लेटरल विंग्स, तो टू लेटरल आपके क्या थे? विंग्स। एंड टू एंटीरियर जो आपने पढ़े वहां पे, तो ये आप समझ सकते हो कि टू एंटीरियर आपके क्या हो गए? कील हो गए। अब यहां पर ओनली वन पॉसिबल, एक वर्टिकल प्लेन है जो इसके सेंट्रल एक्सिस से गुजरे और उसको बराबर दो भागों में बांट दे, टू रेडियल इक्वल हाफ में, तो यहां पर एक ही प्लेन है बायलेटरल, और क्या होगी? जाइगोमॉर्फिक। आप इसको चाहो तो इस प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, नहीं इससे कर सकते, बस खाली यहाँ पर एक ही प्लेन के द्वारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक हो गया। और आप जानते हैं कि ये वेक्जिलरी वेक्जिलम जो स्टैंडर्ड वाला होता, तो पी में मटर है, गुलमोहर बीन है, आप समझ सकते हैं, वहां आप समझ सकते हैं कि कौन सी है? जाइगोमॉर्फिक। बिल्कुल, जाइगोमॉर्फिक। और अगर अपन बात करें कि कोई भी प्लेन डिवाइड ही नहीं कर सकते, एसिमेट्रिक है, कहना का क्वेश्चन अभी आप प्रीवियस में आया था। बिल्कुल, तो यहां आपसे पूछा है कि ओनली वन जायगोमॉर्फिक क्वेश्चन कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जायगोमॉर्फिक सिमेट्री आपकी होगी। क्लियर। और देखो मैं आपको बता दूं, ब्रैसिकेसी फैमिली है, सरसों वाला कुल। बिल्कुल, आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। बिल्कुल, लिलिएसी में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक होता है आपका, और चाइना रोज जो मालवेसी है वो भी 100 एक्टिनोमॉर्फिक आपकी होती है, लेकिन फैबेसी पेपलिनेसी जहां जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको दे रखी है। तो ऐसे आपको यहां पूरी सिमेट्री क्लियर कर लो साथ साथ में क्वेश्चन के, और सारी बातें आप एनसीईआरटी में सीधे आपके कांसेप्ट दे रखे हैं। बिल्कुल, तो आप आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन कोरोला फाउंड इन व्यावर्तित दल विन्यास उपस्थित होता है। तो जैसे अपने पास में ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या हो गया, एक तो लेडी फिंगर, एक कोटन, यहाँ पर एग्जांपल है। बिल्कुल, कोटन में यहाँ पे ट्विस्टेड है, ब्रिंजल में होता है वेलवेट, कोटन में होता है ट्विस्टेड, लिली यहाँ पर जो इसमें कौन सा होगा? वेलवेट होगा। लेडी फिंगर में, कोटन में ट्विस्टेड है, तो यहाँ पे आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड हो गया। भाई सीधी सी बात है, एक लाइन याद कर लो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो प्रेजेंस है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कोटन, यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ मालवेसी फैमिली। बिल्कुल, यानी मालवेसी कुल का एक आप जानते हैं कि बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। बिल्कुल, मतलब अभिलाक्षणिक लक्षण है कि ओनली मालवेसी में आपका पैदा ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड में क्या होता है? वन पेटल ओवरलैप नेक्स्ट ओवरलैप नेक्स्ट एंड सो ऑन। बिल्कुल, एंड ओवरलैप इन ए पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपको बताया था अपन ने कि ओवरलैपिंग प्रेजेंट बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आपका क्या होगा?
ट्विस्टेड और ये आप समझ सकते हैं कि भाई जो ट्विस्टेड है वो किसमें लेडी फिंगर और कॉटन में। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, नीचे दिए गए कॉलम एक तथा दो को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक्टिनोमोर्फिक है, एक्टिनोमोर्फिक का जो एग्जाम्पल अपने पास में है वो है जैसे मस्टर्ड, इसके अलावा डटूरा एंड यहाँ पे हो गई चिली मिर्ची, यहाँ पर एग्जाम्पल है एक्टिनोमोर्फिक के। इसके अलावा यहाँ पर जो जैसे बीन है ये जाइगोमोर्फिक है, केशिया जाइगोमोर्फिक है, और जो गुलमोहर है जाइगोमोर्फिक है, और एक यहाँ पर पी भी होता है वो भी यहाँ पर जाइगोमोर्फिक ही होता है। तो सीधी सी बात है, अभी आपको हमने बताया कि भी देखो एक्टिनोमोर्फिक एक्टिनोमोर्फिक एंड तिज्या समित पुष्प, और उसको आपने रेडियल सिमेट्री बोला था, रेडियल सिमेट्री बिल्कुल। तो देखो मैं फैमिली से याद करा देता हूँ, ब्रेसिकेसी से, ब्रेसिकेसी जो सरसों कुल है, ब्रेसिकेसी खुशी आती है बिल्कुल, उसमें मस्टर्ड सरसों है, रेडिस है या गोभी जितनी भी आती है ब्रेसिकेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली जो टमाटर मिर्च धतूरा बैंगन, सोलेनेसी फैमिली आप समझते हो, लिलियेसी फैमिली, लिली प्याज मोनोकोटी लिलियेसी फैमिली। तो ब्रेसिकेसी सोलेनेसी लिलियेसी और मालवेसी फैमिली जो है, तो आप समझ रहे हैं कि मालवेसी फैमिली है यानी चाइना रोज गुड़हल वाली, इन सब में आप जानते हो एक्टिनोमोर्फिक रेडियल सिमेट्री होती है। अभी आपको होता है कि जो जाइगोमोर्फिक होता है वो पेपलेनेसी फाबेसी बिल्कुल लेगुनेसी के कुछ यानी उसी कुल में आपका होता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि भाई एक्टिनोमोर्फिक, तो ये एक्टिनोमोर्फिक किस में हो गया, धतूरा में, धतूरा में। अब धतूरा सोलेनेसी, सोलेनेसी होगी, और ये चिल्ली ये भी क्या है, सोलेनेसी होगी, क्लियर। और आप जानते हैं मस्टर्ड ये ब्रेसिकेसी होगी बिल्कुल। तो ये तीन आपको हो गए क्या एक्टिनोमोर्फिक, बाकी आप जानते हैं कि जो गुलमोर है, केसिया है, बीन है, वो आपके क्या हो गए जाइगोमोर्फिक। तो अकॉर्डिंग दिस आप समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए में आ गया यहाँ पर सेकंड, और इसके अलावा यहाँ पे आ गया फोर और सिक्स, फ्लोरल कैरेक्टर लाइक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मोनो अडेल्फस एंडोशियम एंड एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले सर आप यहाँ पर बच्चों को बता दीजिए कि यहाँ पर जो मोनोडेल्फस कंडीशन है, जो यहाँ पर एक्सियल कंडीशन है, बिल्कुल सारी बातें कर लेते हैं बिल्कुल। पहले ध्यान दीजिएगा निम्न में कौन सा पादप त्रिज्या समित एक्टिनोमॉर्फिक व्यावर्ती है। तो पहले तो अपन एक ही चीज से पकड़ लेते हैं, ये लो ट्विस्टेड। आप इस मोरफोलॉजी में ट्रिक पे जाएं, आप वो चीज सिलेक्ट करें कि जो चारित्रिक रूप से या अभिलाक्षण रूप से उसी में होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है व्यावर्ती, ट्विस्टेड ऑलवेज और ऑलवेज कैरेक्टर ऑफ मालवेसी बिल्कुल है ना, मालवेसी का कैरेक्टर है। मालवेसी में आपका मेलोकुल यानी आप जानते हो चाइना रोज बिल्कुल, जो गुडहल होता है चाइना रोज। अब आप आ जाइए अगले पे, आओ अगले पे आएंगे तो एक्टिनोमोर्फिक, अभी मैंने बता दिया कि मालवेसी के अंदर एक्टिनोमोर्फिक सिमेट्री होती है बिल्कुल ठीक है। फिर एक्टिनोमोर्फिक क्लियर हो गया, ट्विस्टेड आपका क्लियर हो गया। फिर अपन आ जाएंगे जो मोनोडेल्फस की बात आ जाएगी, एंड्रोशियम वाली कंडीशन हो गई है। हाँ हाँ, तो एंड्रोशियम के अंदर मोनोडेल्फस, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मालवेसी फैमिली में ये करेक्टर से करेक्टर होता है, ये भी बात है बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन, स्टेमन। अब स्टेमन यूनिट है, अब स्टेमन वहां शो करते हैं एडेशन भी, कोहेजन भी बिल्कुल। कोहेजन होता है कि एक ही टाइप के फिलामेंट मिले, अब कोहेजन भी कई टाइप के होते हैं, कोहेजन यानी ससंजन। तो कोहेजन भी बेटा वहां कई टाइप के होते हैं, सबसे पहले एक होती है एडेल्फी, एडेल्फी होती है संघीयता, मतलब स्टेमन स्टेमन के साथ जुड़ जाएगा वो कोहेजन है। लेकिन उसमें एडेल्फी क्या होती है बिल्कुल, कि स्टेमन के जो तीन पार्ट होते हैं, ये एंथर होता है, ये कनेक्टिव योजी फिलामेंट, कनेक्टिव और ये फिलामेंट बिल्कुल। तो ओनली फिलामेंट फिलामेंट यूनाइटेड हो, फिलामेंट फिलामेंट एक साथ जुड़े बिल्कुल। तो फिलामेंट फिलामेंट आप जानते हैं कि जुड़ के एक बंडल बनाए, एक ही बंडल बनाए, तो मोनो एडेल्फस, और मोनो एडेल्फस एक संघीयता, मोनो एडेल्फस कंडीशन चाइना रोज में होती है। फिर आप जानते हो डायडेल्फस आपकी फाबेसी फैमिली में होती है, मतलब जितने भी जो स्टेमन्स है वो दो ग्रुप में है। हाँ, तो वहां पर अगर चाइना रोज का गुडल का फ्लोर देखोगे तो उसमें सारे स्टेमन के जो फिलामेंट है, कुतंतु, फिलामेंट फिलामेंट यूनाइटेड बंडल, सारे बंडल में मिल जाते हैं। और ऊपर जाकर आप ऐसे जानते हो ऐसे एंथर निकला होता है, एंथर बिल्कुल, और वो एंथर है ना आप जानते यूनिलोब यानी मोनोथिकस है, मोनोथिकस। तो ये सारी बात एंड्रोसियम और एक्सियल प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें आप जानते हो पेंटामेरस कंडीशन होती है, तो पांच कार्पल आपकी होती है, पांच, और कार्पल जो होती हैं, कार्पल के जो ये मार्जिन है, ये टच जहां करते हैं वहां से एक सेप्टा डेवलप होता है बिल्कुल, सेप्टा डेवलप होता है, और आप समझ सकते हैं कि वो इस टाइप में जो फाइव सेप्टा वहां पे बनते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस, तो यहाँ ओव्यूल्स अरेंज होते हैं बिल्कुल। तो ये आपका होता है एक्सियल प्रेजेंटेशन, तो पेंटा कार्पलरी, पेंटा लोक्युलर है ना, आप ओवरी मल्टीलोक्युलेट होगी,
पंचांडपी पेंटालोक्युलर लोक्यूल सेप्टा बन गए। और आप जानते हैं एक्जल प्रेसेंटेशन जो होता है वो किसमें होता है, इसमें मालवेसी के अंदर। तो ये टोमेटो नहीं होगा, ब्रिंजल नहीं होगा, चाइना रोज हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, एक तो जानते हो कि यहाँ पर ट्विस्टेड से बना अलग कर देंगे और ये जो मोनोडेल्फस है उससे बना अलग कर देंगे। आंसर आपका क्या, दोनों एग्जांपल बकायदा एनसीईआरटी में दे रखे हैं बिल्कुल, फोर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है बिल्कुल। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, निम्न दिए गए कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ने आपको लिख रखा है कि जो फ्लोरल बुल होते हैं, पुष्पी पत्र होते हैं, वो पुष्पासन पर निवेशित होते हैं, इंसर्शन उनका होता है। अब जो पुष्पी पत्र संख्या में तीन या तीन के मल्टीप्लाई में बिल्कुल, तो ट्राइमेरस, चार या चार के मल्टीप्लाई में पेंटामेरस, और पांच या पांच के मल्टीप्लाई में पेंटामेरस बिल्कुल। तो देखो यहां पर बात करते हैं कि सबसे पहले तीन या तीन के चक्कर में तो आपका होता है ट्राइमेरस। फैमिली वाइज बात अपन कर लेते हैं, ट्राइमेरस है ना। तो तीन या तीन के चक्कर में जो आप जानते हैं मोनोकोट में ऐसा होता है, लिलिएसी और पोएसी में बिल्कुल। लिलिएसी और पोएसी में भी आपने देखा था, लिलिएसी के अंदर तीन तो सेपल थे, तीन ही पेटल थे जो पेरियंथ थे, थ्री प्लस थ्री। और वहां जानते हो जैसे ट्राई कार्पलरी बिल्कुल, हाइपोवेनस कंडीशन, ट्राई लोक्युलर एक्जिल प्रेजेंटेशन, तो तीन या तीन के चक्र वाली बात होगी ट्राइमेरस। स्टेमन भी उसमें छह थे। हाँ, फिर आप ध्यान दीजिएगा कि टेट्रामेरस, ये एक ही डाइकोट फैमिली में टेट्रामेरस जो आप समझ सकते हो, ब्रेसिकेसी जो मस्टर्ड कुल है बिल्कुल, है ना। बाकी आपका होता है पेंटामेरस। तो पेंटामेरस जनरली डाइकोट में होता है। तो जो सोलेनसी फैमिली है, फाबेसी है या मालवेसी है, ये पेंटामेरस कंडीशन शो करती है बिल्कुल, क्लियर। अब यहाँ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, उससे आपको इसको करना है। तो देखिएगा कि पेंटामेरस ये है, तो पिटूनिया सोलेनसी है, पेंटामेरस सोलेनसी है। फिर देखिएगा कि ल्यूपिन ये फाबेसी है, फाबेसी का सजावटी पादप ल्यूपिन, तो ये फाबेसी फैमिली है क्लियर। जो पेपलिनेसी है फाबेसी, क्लियर, बिल्कुल पेंटामेरस है। पी ये भी आप समझ सकते हो कि वही पेंटामेरस है। और यहाँ मकोई ये सोलेनेसी से, तो पेंटामेरस है। तो पेंटामेरस के लिए यहाँ पर देखो ए में आपका हो गया सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, क्लियर। और देखो बी टेट्रामेरस, तो टेट्रामेरस में यहाँ पर आप समझ सकते हैं ट्यूलिप, ट्यूलिप आपका होगा लिलियसी फैमिली है ना, ट्यूलिप आपका, ट्यूलिप ग्लोरियसा। तो ये आप समझ सकते हो कि ट्राइमेरस की बात होगी, सॉरी ट्यूलिप किसकी बात होगी, ट्राइमेरस, यस। और ये जो टेट्रामेरस है ये भी मैंने बताया ब्रेसिकेसी मस्टर्ड, यहाँ पर आप दिमाग लगाना बेटा, ट्राइमेरस तो आपका ट्यूलिप में होगा और जो टेट्रामेरस है वो किसमें होगा, मस्टर्ड में। तो बी में तो आपका देखो होगा थर्ड मस्टर्ड, ये हो गया। और सी में फर्स्ट, सी में क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि ट्यूलिप ग्लोरियसा लिलिएसी से और वो ट्राइमेरस है, क्लियर, मोनोकोट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एंड्रोशियम इज द वॉल ऑफ पुमंग चक्र है, एंथर, स्टेमन, फिलामेंट एंड पेरियंथ। देखो बच्चों, इसमें जैसे अपने पास में इस तरीके से जो डायग्राम है वो यहाँ पर एक स्टेमन का डायग्राम है, ये यहाँ पे होता है एंथर, दिस इज कनेक्टिव, दिस इज फिलामेंट। तो बेसिकली एंड्रोशियम जो है वो यहाँ पे स्टेमन जो है उसका वॉल है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से वो फ्लावर होता है, ये यहाँ पे होता है सेपल, ये पेटल, ये यहाँ पे स्टेमन, और ये यहाँ पे क्या हो गया, कार्पल। तो ऐसे यहाँ पर स्टेमन एक भी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस जो बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं उनका जो पूरा का पूरा चक्र होता है, जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। करेक्ट आंसर यहाँ पर यूनिट है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम और स्टेमन मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फैमिली सोलेनेसी, निम्न में से कौन सा लक्षण सोलेनेसी फैमिली का नहीं है, persistent calyx, epiphyllous androecium। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो epiphyllous androecium है ये लिलिएसी फैमिली में होता है बिल्कुल, न कि सोलेनेसी में। हाँ, और epipetalous condition है उसमें बिल्कुल, और साइमोज इन्फ्लोरेंस भी है सोलेनम में, क्लियर। तो आप अच्छे समझ सकते हैं बेटा कि जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें क्या होते हैं, जैसे जनरली अपन कहते हैं फ्लोर की खिलती, फ्लोरल बर्ड जब खिलती है एंथेसिस होता है तो सेपल गिर जाते हैं बिल्कुल, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कुछ में फिर फर्टिलाइजेशन के समय गिर जाएंगे बिल्कुल, लेकिन कुछ एक ऐसी फैमिली होती है जिनमें परसिस्टेंट कैलिक्स रहेंगे बिल्कुल। जो परसिस्टेंट कैलिक्स है चिरस्थाई भय दलपुंज, यानी फल बनने के बाद भी आप मिर्च और धतूरा देखते हैं, फिर मिर्च बैंगन देखते हैं, ब्रिंजल लगे रहते हैं, तो ब्रिंजल फ्रूट है, उस ब्रिंजल फ्रूट के ऊपर भी आप जानते हैं कि हरे हरे आपके सेपल्स होते हैं बिल्कुल, और वो गैमोसिपेलस होते हैं, पांच होते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। एपिफाइलस कंडीशन क्या होती है, एपिफाइलस होता है कि जब एडेशन आसंजन, आप जानते हो कि पेरियंथ
और एंड्रोसियम में हो, तो ये एपिफाइलस कंडीशन होती है। ये कंडीशन आप जानते हो लिलियस में होती है, जबकि आप जानते हो कि दल लगन पुंकेसर सर कि जब आप जानते हैं कि ये जो स्टेमन है वो पेटल से जुड़ जाए, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि ये कोरोला है, और कोरोला आप जानते हैं कि किससे है, स्टेमन से, एंड्रोसियम, तो ये आपकी होती है एपिपेटलस कंडीशन। एपिपेटलस होती है सोलनेसी में, बिल्कुल, ये एपिपेटलस कंडीशन है, क्लियर, एपिपेटलस कंडीशन, तो ये तो प्रेजेंट होगी लेकिन ये एपिफाइलस नहीं होगी, बिल्कुल, क्लियर, ये लिलियसी में आपकी होती है। यस, जो एडेशन अपन स्टेमन का पढ़ते हैं वो यहाँ पर है कि एक पुष्प चक्र का जो मेंबर है वो दूसरे पुष्पीय चक्र के मेंबर से अटैच होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, तो आपकी होती है एडेशन, एडेशन इन आसंजन। साइमोज इन्फ्लोरेंस अपन पढ़ लेंगे आगे है, बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सेकंड होगा, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा कि नॉट ए करेक्टर, बिल्कुल, क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को पढ़िए। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर एपिपेटलस, क्लियर कर दिया। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेरियंथ, लिलियसी में होता है, इसे बोलते हैं एपिफिलस, बिल्कुल, अपन फैमिली में इनको अभी आपके सामने शो कर दिया, इसको अपन शो करेंगे ए और ऐसे शो करेंगे, और इसको अपन करेंगे पी और ए के साथ, ये ऐसे शो करेंगे। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोइड, ये ऐसे स्टेमन है जो स्टेराइल है, या तो पोलनगिन बनते नहीं, बनते तो फंक्शनल नहीं होते। सिम कार्पस गायनोशियम व्हेन कार्पल आर फ्री टू ईच अदर, नहीं ये यहाँ पे पॉलीकार्पस होता है। इन टमेटो बाइकार्पलरी सिम कार्पस ओवरी विथ पैराइटल, बिल्कुल प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है, क्लियर, बिल्कुल। तो यहाँ आपसे पूछेगा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है, करेक्ट पूछे, वन सेकंड थर्ड और फिफ्थ, यानी फोर स्टेटमेंट आपके हो गए। देखो सीधी सी बात उल्टा, व्हेन स्टेमन, ये कंडीशन आप क्लियर कर दी, ये कंडीशन आप क्लियर कर दी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। स्टेराइल स्टेमन यानी जो बंदे पुंके से होते हैं स्टेमिनोड, ये आपके एनसीईआरटी ग्राइंड और ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है। सिन कार्पस गायनोसियम व्हेन कार्पल आर फ्री, ये गलत हो गया, क्योंकि गायनोसियम दो टाइप के होते हैं, गायनोसियम आप जानते हैं कि गायनोसियम में कार्पल एक तो मोनोकार्पलरी और एक से ज्यादा है तो मल्टीकार्पल या पॉलीकार्पल, बिल्कुल। अब वो कार्पल आपस में फ्यूज है तो सिन कार्पस, मोस्ट ऑफ कंडीशन सिन कार्पस होती है, और वो फ्री है तो एपोकार्पस, बिल्कुल एपोकार्पस कंडीशन आप समझ सकते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए और ये आपका करेक्ट है, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली में कार्पल संख्या में दो होते हैं, और कार्पल के मार्जिन जहां फ्यूज होते हैं वहां से आपका सेप्टा जाता है, सेप्टा, और सेप्टा होता है, फिर यहाँ ओब्लिक्यूली सेप्टा होते हैं, तिरछे होते हैं, और यहाँ सोलन मतलब फुलावा फूली हुई, टमाटर को आप ऐसे काटेंगे यहाँ फुलाव प्लेसेंटा आएगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसे इस फॉर्म में सीड्स लगे होते हैं, ये आपके लगे होते हैं टमाटर को आप देखें। तो बाइकार्पलरी सिन कार्पस, बाइकार्पलरी बायलोक्युलर द्विअंडपी द्विकोष्ठकीय, देन सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी एक्जल प्रेजेंटेशन, एक्जल प्रेजेंटेशन, ये करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप समझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको तैयार करता है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिस डायग्राम शो द कोहेशन ऑफ स्टेमन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स फैमिली, बिल्कुल जो पल्स फैमिली है उसमें पाया जाता है। आइडेंटिफाई दिस कोहेशन, मोनोडेल्फस सिन एंड्रस डाइएडेल्फस पॉलीएडेल्फस, देखो बच्चों यहाँ पे टोटल स्टेमन्स जो है दो ग्रुप में डिवाइड है, एक तो यहाँ पे स्टेमन का ये अकेला ग्रुप हो गया, एक यहाँ पे स्टेमन का ये ग्रुप हो गया। बेसिकली यहाँ पे 9+1 कंडीशन होती है, जो 9 स्टेमन है वो एक तरफ होते हैं, एक स्टेमन एक तरफ है, तो यहाँ पे दो ग्रुप हो गए डाइएडेल्फस। और अपन ने बताया था कि जैसे भाई कोई भी पुष्पीय चक्र है, एक ही पुष्पीय चक्र के सदस्य जो होते हैं, एक ही फ्लोरल वर्ल के जो मेंबर होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, उसको आप कहते हो कोहेजन, बिल्कुल, तो समान समान मतलब कोहेजन, कोहेजन यानी सहसंजन, बिल्कुल समान वहां पढ़ते हो। अब सहसंजन भी तीन प्रकार का होता है, बिल्कुल, कि सहसंजन में एक आपकी कंडीशन होती है एडेल्फी, एडेल्फी संघीयता, बेटा क्या होती है संघीयता, एडेल्फी स्टेमन स्टेमन से जुड़ जाए, हाँ, तो स्टेमन स्टेमन से, लेकिन नहीं सुनो स्टेमन स्टेमन जुड़ेगा तो कोहेजन हो गया, बिल्कुल। कोहेजन में भी आपकी तीन टाइप आपके होते हैं एडेल्फी, स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं ना, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, तो ओनली फिलामेंट फिलामेंट यूनाइट होकर बंडल बनाए, बिल्कुल एक साथ मिलकर बंडल बनाए। अब सारे फिलामेंट एक बंडल बनाते हैं मोनोडेल्फस, दो बनाए तो डायडेल्फस, तो चाइना रोज में मालवेसी में, और यहाँ दो बंडल है, एक आपका सिंगल यहाँ पे और ये एक आपका नाइन का, तो 9+1 मतलब ये डायडेल्फस, तो ये एडेल्फी भी थ्री टाइप की होती है, मोनोडेल्फस एक ही बंडल बने, फिर आपके डायडेल्फस दो बंडल बन जाए, फिर पॉलीडेल्फस सिट्रस में, बिल्कुल, फिर आपका आगे आपका होता है सिनएंड्रस कंडीशन होती है, बिल्कुल, और फिर आपके होती है सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस कि जब फिलामेंट तो फ्री रहेंगे ये एंथर फ्यूज हो जाएं,
तो सिनेंड्रस और एक सिनजेनेसिस होती है, सब कुछ ही फिलामेंट भी और एंथर दोनों ही फ्यूज हो पूरा का पूरा साथ एक साथ, हाँ वो आप समझ रहे हैं कि सिनजेनेसिस। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन थर्ड आपका होगा और इसको बहुत अच्छे से करेगी। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आता है, एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम्पल भी भेजते हैं आप याद रखना। एडेल्फी का मतलब होता है कि स्टेमन के ओनली फिलामेंट आपस में फ्यूज हो, बिल्कुल सारे फिलामेंट यूनाइटेड होकर सिंगल बंडल बनाए मोनोडेल्सस, चाइना रोज में मालवेसी में, बिल्कुल दो बंडल बनाए डायडेल्फस फीमेल हबेसी फैमिली के अंदर और कई बंडल बनाए तो सिट्रस में ओलियोडेल्फस, वो एडेल्फी होती है, बिल्कुल क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, निम्न दिए गए कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो देखो पहले आपको दे रखा है प्लेसेंटेशन का फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, मुक्त स्तंभी बीजांडास। आप जानते हैं कि मुक्त स्तंभी बीजांडास होता है कि जब कार्पल के जो मार्जिन होते हैं फ्यूज होते हैं, सेप्टा बनते हैं, लेकिन सेप्टा बाद में आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो सेप्टा होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड है, बिल्कुल। और फिर यहाँ जो सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस, तो ये आपकी फ्री होती है, यहाँ पे आपके सीधे आपके ओव्यूल्स होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। और ये जो यहाँ पे ओव्यूल्स है इन फ्यूचर सीड में बन जाएंगे। हाँ, तो डायंथस और प्रिमरोज में होता है, डायंथस और प्रिमरोज में। तो जो प्रिमरोज यहाँ पर दे रखा है देखो, ये प्रिमरोज, क्लियर। फिर देखो मोनोकार्पलरी ओवरी, तुम्हें पता है अच्छे से कि जो फाबेसी फैमिली होती है या जो पेपलेनेसी होती है, पेपलेनेसी फैमिली, उसमें आप जानते हैं कि मोनोकार्पलरी ओवरी आपकी होती है सुपीरियर, और आप जानते हैं कि मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है वहां, और वहां जो प्लेसेंटेशन होता है वहां पर वो आपका होता है मतलब मार्जिनल जो सीमांत बीजांडास आपको पाया जाता है, क्लियर। तो यहाँ आपका हो जाएगा इसमें सोयाबीन, ये हो जाएगा। और अभी अपने बताया पोलियोडेल्फस कंडीशन, तो बहुसंगीता किसमें होती है, सिट्रस में होती है, सिट्रस में आपकी होती है। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो है ये है कि ए, तो ए में थर्ड, तो ए में थर्ड का आंसर होगी, लेकिन फिर आप जानते हो कि बी, तो बी में आप जानते हो कि आपको दे रखा है सिट्रस, क्लियर। और उसके बाद सॉरी बी में आपको दे रखा है मोनोकार्पलेट, तो आपका सोयाबीन, सोयाबीन सोयाबीन हो गया चार, तो बी में आपको क्या दे रखा है चार, ये आपका हो गया, बिल्कुल। और फिर आप देखिएगा कि सी, तो सी में आपको फर्स्ट दे रखा है, तो आंसर विल बी थर्ड, थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब बच्चों पर करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द सिंबल जी डैश इज यूज्ड फॉर द फ्लावर ऑफ, जी संकेत का प्रयोग किसके पुष्प के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन कंडीशन पॉसिबल है, जैसे अपने पास में अगर ये वाली कंडीशन है लाइन से ऊपर जी है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो ओवरी है वो सुपीरियर है। अगर इस तरीके से कंडीशन है लाइन के नीचे जी है तो यहाँ पे ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर। और अगर ये वाली कंडीशन है यूं, लाइन के ऊपर ही यहाँ पर जी है, जी के ऊपर लाइन है, इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर है, तो फ्लावर यहाँ पर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन बन जाती है यूं, ये यहाँ पे सेपल, ये पेटल, ये यहाँ पे स्टेमन, और देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या निकल रही है, ओवरी। तो ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है, फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस हो गया। तो हाइपोगाइनस कंडीशन आपकी ये हो गई मस्टर्ड, बिल्कुल मस्टर्ड में हो गई है ना, कि भाई यहाँ ये थैलेमस है, ये आप जानते हो कि ऐसे बिल्कुल यहाँ थैलेमस उभरा हुआ होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है, और टॉप मोस्ट पोजिशन पे ये ओवरी होती है, तो ओवरी सुपीरियर ओवरी होती है, और बाकी जो फ्लोरल होल होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, बिल्कुल वो है ना। तो ये आपका हाइपोगाइनस होगी, बिल्कुल। और ये जो आपकी कंडीशन है प्लम पीच रोज में जो होती है, आप हाइपोगाइनस तो मोस्ट ऑफ में होती है, मोस्ट ऑफ फैमिली में हाइपोगाइनस, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ब्रेसिकेसी हो, सोलोनेसी हो, मालवेसी हो, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, बिल्कुल। प्लम पीच रोज में आपकी पेरिगाइनस, तो यहाँ देखो पेरिफ्री के ऊपर ये फ्लोरल वॉल है, तो यहाँ हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी है, ये पेरिगाइनस है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे। और ये जो कंडीशन है यहाँ देखो कि जो थैलेमस एनक्लोज, पहले थैलेमस ने आउटर को एनक्लोज कर लिया इसको, और ओवेरी को एनक्लोज कर लिया कंप्लीटली, अब जहां यहाँ टच हो रहा है तो ओवेरी इन्फीरियर है यहाँ पर, ओवेरी इन्फीरियर, और सारे फ्लोर रूल क्या है सुपीरियर है, तो ये आपकी कंडीशन है एपिगाइनस, एपिगाइनस। और एपिगाइनस जो कंडीशन होती है आप जानते हैं अधिक जाएंगे ओवेरी उसमें इन्फीरियर होती है, ओवेरी इन्फीरियर, अदर फ्लोर रूल अन्य कुछ भाग सुपीरियर आपके होते हैं, तो ये आप जानते हैं घिया में कुकर में, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है गुआवा, इसके अंदर कंडीशन कौन सी पाई जाती है, आप जानते हैं बिल्कुल, हाँ गोवा में भी ये गोवा तो सही है, गोवा में एपिगाइनस ही होती है, लेकिन ये डायग्राम यहाँ पर क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू, टी और फॉल्स, एफ चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि निम्न कथनों को सही या गलत से आपको चिन्हित करना है, और सही विकल्प आपको चयन करना है।
तो देखिए बेटा, व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। अपन ने कहा था इन्फ्लोरेंस के अंदर कि देखो जब वेजिटेटिव मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बने, फ्लोरल एक्सिस, और वो आगे से आगे ग्रो करता रहे, फ्लोर के रूप में एंड नहीं हो, यस यस, तो मैच्योर फ्लोर बेस पे हो और ये यंग फ्लोर आगे से आगे हो, तो इसको आप कहते हो रेसिमोज, बिल्कुल एक्रोपेटल ऑर्डर ही है, एक्रोपेटल रेसिमोज कहा था। आपने कहा था कि अगर फ्लोरल एक्सिस फ्लोर के रूप में एंड हो जाए तो मैच्योर फ्लोर अपेक्स पे होंगे, और बिल्कुल आप जानते हैं बेस पे इमेच्योर आपके होंगे, यंग फ्लोर होंगे, तो ये आपने दिया था साइमोज, क्या दिया था साइमोज। और आपने कहा था कि अगर एक ही फ्लोर के रूप में एंड हो जाए तो सोलिटरी, बिल्कुल सोलिटरी आपको कंडीशन दे रही है, इनसेट करेक्ट है। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन विच द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, बिल्कुल द फ्लोर आर बोर्न लेटरली इन बेसिपिटल सक्सेशन, बिल्कुल क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपसे पूछा है ये फॉल्स हो गया, क्योंकि द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस विच द मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो अगर होगा तो रेसिमोज होगा, और रेसिमोज में एक्रोपिटल होता है, बिना कि बेसिपिटल होता है। यहाँ पर कौन सा सेक्शन एक्रोपिटल, ये एक्रोपिटल था, अगर यहाँ एक्रोपिटल आ जाता तो ये करेक्ट हो जाता, रेसिमोज का ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंक्ट दे आर टर्म्ड एज पेरियंथ, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, अपन बता चुके हैं, लिगेसी फैमिली में होता है, लिगेसी फैमिली में आपका होता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि ट्रू फॉल्स और ट्रू, बिल्कुल, तो ट्रू फॉल्स और ट्रू, जो फोर्थ ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, सी 1+2+2 ब्रैकेट में रिप्रेजेंट, ये किसको दर्शाता है? तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो सी लिख रखा है वो यहाँ पे किसके लिए आता है, कोरोला, जो कोरोला है उसके लिए आता है, पेटल की संख्या दे रखी है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे 1+2+2 है, ये यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साहब पेपिलियोलेस कोरोला है और यहाँ पर वैक्सिलरी अरेंजमेंट है, बिल्कुल, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड विंग्स और कील जो कि पी में होता है, स्टैंडर्ड वैक्सिलम लैटरल व्हील, वो विंग्स, बिल्कुल, और ये कील, कील जो एंटीरियर आपके हैं, और ये कंडीशन देखो 1+2 और प्लस ये 2 फ्यूज है, तो ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि तो दोनों फ्यूज है, पॉलीपेटलस ही है और ये इरेगुलर है, जाइगोमॉर्फिक, पॉलीपेटलस जाइगोमॉर्फिक, तो ये आप समझ सकते हो कंडीशन किसी में पेपिलियोलेसिस कोरोला वैक्सिलरी अरेंजमेंट। हां देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, आवासी पर पुष्प के अंडाशय में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल। तो देखो बेटा कि यहां बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एक इंफॉर्मेशन आपको समझाता हूं कि रियली में जो ट्रू सेप्टम है, पहले अपन बात करेंगे ट्रू सेप्टम की, सत्य पट की, जबकि रेपलम तो आवासी पट है, जिनमें आपको समझाऊंगा, पहले ट्रू सेप्टम सत्य पट। तो देखो सत्य पट किस प्रकार के बीजान्यास में, किस प्रकार के प्लेसेंटेशन में होते हैं, तो वो एक आपका होता है एक्जल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजान्यास, बिल्कुल, या स्तंभीय बीजान्यास, एक्जल प्लेसेंटेशन, ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान दें इसमें क्या होता है, जितने कार्पल होते हैं टू हो सकते हैं, सोलेनेसी में बाई कार्पलरी बाइलोक्युलर, बिल्कुल, और एक्जल प्लेसेंटेशन, लिलियसी में ट्राई कार्पलरी ट्राइलोक्युलर एक्जिल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल बिल्कुल, और मालवेसी में पेंटा कार्पलरी पेंटालोक्युलर और एक्जिल एक्जिल। अब देखिएगा आपने टमाटर का देखा सोलेनेसी में, तो वहां दो कार्पल होती है, कार्पल थोड़ी ओब्लिक्यूली अरेंज होती है, तिरछी रूप से व्यवस्थित होती है। अब कार्पल जहां कार्पल के मार्जिन जहां टच होते हैं वहां से सेप्टा ग्रो करता है, सेंटर की ओर ग्रो करता है ये सेप्टा, और यहाँ सेंट्रल एक्सिस होता है, तो यहाँ आपके ये ओव्यूल्स, तो ये एक्जिल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल, टमाटर अगर आपने खाया है एक्जिल प्रेजेंटेशन, ट्रू सेप्टा ही है, ट्रू सेप्टा, देखो दो कार्पल है टू कार्पल, तो बाई कार्पलरी, बिल्कुल बाई कार्पलरी, और बाई कार्पलरी सेप्टा बन गए तो बाई लोकुलर, ये लोकुलर जो रियल में लोकुलर कंडीशन होती है वो यही होती है एक्जिल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि एक्जिल प्रेजेंटेशन हो गए, ऐसे लिलियसी में देखो तीन कार्पल है, एक कार्पल है, दो कार्पल है, और फिर आप जानते हैं तीन कार्पल है, बिल्कुल, तो ये 1, 2 और ये 3, फिर ये लो, तो ये ट्राई कार्पलरी ट्राइलोक्युलर, तीन कोस्ट की होगी, जितने सेप्टा होते हैं उतने लोक्यूल होते हैं, उतने लोक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन ओनली एक्जिल प्रेजेंटेशन में होती है, बिल्कुल, और इसके अलावा चैम्बर यानी लोक्युलर कंडीशन कहीं बनती भी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखो यहाँ सरसों में मस्टर्ड में बाई कार्पलरी होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, और आर्जीमोन में ट्राई कार्पलरी पैराइटल है, लेकिन मस्टर्ड में ओनली ब्रैसिकेसी फैमिली में, बिल्कुल, वहां बाई कार्पलरी है, तो जहां मार्जिन टच होते हैं तो मार्जिन की जो इनर वॉल है वहां से आप पैराइटल जो वॉल है पैराइटल वॉल वहां पे प्लेसेंटा डायरेक्ट लगते हैं ये लोग, तो ये आपकी यूनिलोकुलर कंडीशन होती है, एकोस्ट की है इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली एकोस्ट की है, लेकिन बाद में जब मैच्यूरेशन होता है तो यहाँ एक आभासी पट रेपलम बन जाता है, और रेपलम बनने से बाइलोकुलर हो जाती है, लेकिन ये सत्य पट नहीं है, सत्य पट तो ये है, ये आपका फॉल्स सेप्टम है, और फॉल्स सेप्टम जो रेपलम है रेपलम ये ओनली आप जानते हो कि मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी, मूली सरसों
इनके अंदर आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर मस्टर्ड आपका आंसर हो गया, बिल्कुल। और जनरल जैसे आरजी मोनोल अगर आप पैराइटल दो, वहां आपको पैराइटल इंसेट ने बता रखा है ट्राई कार्पलरी, और वहां तीन जगह पर आपको ऐसे लेटरल वाल्व ऐसे बता रखा आपको, तो वो वहां रेप्लम नहीं है, वहां रेप्लम नहीं है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट्स कंटेन हाफ सुपीरियर ओवरी इन फ्लावर। ये अपने क्वेश्चन के अंदर जो पेरिगाइनस कंडीशन है उसको इशू कर रहा है, तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि जो रोज है, जो प्लम है और जो पीच है, ये कंडीशन यहां बच्चों इनके अपन आपको सीधी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखो जब हाइपोगाइनस कंडीशन होती है कौन सा आपका थैलेमस होता है, बिल्कुल ओवरी सुपीरियर, बाकी सारे फ्लोरल इंफीरियर। तो देखो हाइपोगाइनस तो मोस्ट ऑफ फैमिली है, जो बहुत कुछ होता है उसको भी याद करो आप, हाइपोगाइनस तो मोस्ट ऑफ फैमिली है, चाहे तुम जनरल फैमिली पढ़ते हो, चाहे सोलनेसी पढ़ते हो, ब्रेसिकेसी पढ़ते हो, लिलियेसी पढ़ते हो, मालवेसी पढ़ते हो, पेपलिनेसी पढ़ते हो, सब में हाइपोगाइनस है। अपने एनसीईआरटी में जो प्लांट फैमिली दे रखी है उन सब में हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल। और वहां फ्लोरल फॉर्मूले में ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, बिल्कुल। अब आप जानते हो कुछ कुछ आपका होता है पेरिगाइनस, तो पेरिगाइनस में एक ट्री याद लो पी पेरिगाइनस, तो पेरिगाइनस को आप मिला दो पीपीआर से, पीपीआर का मीन क्या हो गया, प्लम पीच रोज, बिल्कुल प्लम पीच रोज। तो प्लम पीच रोज आपका होता है पेरिगाइनस, जहां हाफ इनफीरियर होती है। और एपिगाइनस में कुकुरबिटेसी है, घिया है, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट है, तो ये आप जानते हो कि ये आपके होते हैं एपिगाइनस, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ देखो प्लम पीच रोज, और ये क्वेश्चन कई बार आपका आ गया नीट एग्जाम में भी, बिल्कुल क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए, सिनकार्पस ओवरी, पॉलीएडेल्फस स्टेमन, ट्विस्टेड स्टेमन, फ्लैशी लीव्स एंड राइजोफोरा। तो बिल्कुल अपन यहां पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ कह रखा है पॉलीएडेल्फस कंडीशन, सिट्रस सिनकार्पस ओवरी की बात आई, तो भाई एक से ज्यादा कार्पल होगी और आपस में जुड़ी है, तो सिनकार्पस होती मस्टर्ड में, लेकिन वहां बाइकार्पलरी सिनकार्पस पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ आपका एक्जिल प्रेजेंट होता है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस एक्जिल प्रेजेंट आपको बताया था अपन ने, तो ये सिनकार्पस हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर आप जानते हैं कि ये पॉलीएडेल्फस हो गया सिट्रस में, बिल्कुल क्लियर। ट्विस्टेड में आपने बताया था मालवेसी फैमिली, तो चाइना रोज आपकी हो गया, फ्लैशी लीव्स आपको हो गया, ऑनियन और गार्लिक में आप जानते हो अपन ने, बिल्कुल स्टोरेज फूड स्टोरेज करती है, और राइजोफोरा में आप जानते हो निमेटोफोर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ऑप्शन वाली जड़ें आपकी पाई जाती है। तो आप सीधी सी बात कर ले, यहाँ पर फर्स्ट सिनकार्पस में आपका फोर्थ, तो ए में आपका फोर्थ हो गया, बी तो बी में आपका फर्स्ट हो गया, क्लियर, ए में फोर बी में फर्स्ट, और फिर सी सी में आपका क्या हो गया फाइव, सही है, और फिर डी डी में आपका क्या हो गया थर्ड, और फिर ई तो ई में आप समझ सकते हैं सेकंड, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट आंसर आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सब आपको मिला है, सब कंडीशंस को आप देखें। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड सेकंड, दिए गए कॉलम एक और दो का मिलान कीजिए, यहाँ पर है पेरिएंथ कैलिक्स, तो बेसिकली पेरिएंथ का आंसर वो जाएगा जो लिली सी फैमिली के अंदर, बस बिल्कुल इससे अपना आंसर आ जाएगा लिली, बिल्कुल ट्यूलिप ट्यूलिप, बस उसके बाद आप जानते हैं कि कैलिक्स तो जो मकोई होती है, बिल्कुल, और आप जानते हैं कि जो रोज होता है और जो पिटूनिया है, पिटूनिया तो उसमें मकोई पिटूनिया सोलनेसी है, रोज जो रोजेसी फैमिली है, तो वहां पे ही होता है, तो आप समझ सकते हैं ए में हो गया तीन चार, तीन चार, और बी में फर्स्ट सेकंड और बिल्कुल फिफ्थ, फर्स्ट आंसर यहां पे हो गया, फर्स्ट हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा, हां ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25, पेटल्स ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स प्रिपेयर्ड शेप ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ फ्लावर बेबी, पौधों के पुष्प में दलपुंज पुष्प की आकृति बनाते हैं, पुष्प की आकृति हो सकती है ट्यूबुलर हो सकती है, बेल शेप हो सकती है, व्हील शेप, तो कहने का मतलब यहाँ पर शेप जो है वो कैसी भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी सी बात है। देखो फ्लोर का जो सेकंड फ्लोर वो लगा कोरोला है, दलपुंज, क्लियर, और दलपुंज कोरोला की जो यूनिट है वो है पेटल, पेटल बिल्कुल, यस बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि इस कोरोला की जो यूनिट है वो आपकी क्या है, पेटल, पेटल दल। अब पेटल आपस में फ्री है, एक दूसरे से फर्तक है, फ्री है, तो आप जानते हो उसको बोलते हो पॉलीपेटलस, बिल्कुल, लेकिन फ्री है सारे एक ही साइज के हैं, तो पॉलीपेटलस एक्टिनोमोर्फिक होते हैं, बिल्कुल, और ये पेटल अगर फ्यूज है तो उसको आप बोलते हो गैमोपेटलस, बिल्कुल गैमोपेटलस, संयुक्त दल, क्लियर। अब आप दिमाग लगाइए कि भाई जो पेटल फ्री पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, तो ये अगर सेम साइज के हैं सिमिलर साइज, तो एक्टिनोमोर्फिक वरना आपके जाइगोमोर्फिक, बिल्कुल। तो जैसे आप समझ सकते हो कि भाई एक्टिनोमोर्फिक बहुत सारे एग्जांपल है, जाइगोमोर्फिक में आपका पेपलिनेसिस आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। गैमोपेटलस, आप देखो गैमोपेटलस में फिर अगर सारे पेटल सेम साइज के हैं तो वो एक्टिनोमोर्फिक
अब देखो पेटल मिलकर अगर मान लो कि जैसे आपने देखते हो कीप सेप बनाए, फनल सेप या कीप सेप, बिल्कुल, तो फनल सेप दथुरा में कीप सेप आपका हो जाता है। ऐसे आप जानते हो कि अगर अपन वहाँ ट्यूबुलर की बात, नलिकाकार, तो जो सूरजमुखी के बिंब पुष्पक होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सूरजमुखी के बिंब पुष्पक, तो वहां सारे पेटल मिलकर नलिका आकृति बना लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हो बेल सेप घंटीनुमा या फिर व्हील सेप, तो ये आपको आंसर लाइन देखिए, तो ऑल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लोरल कैरेक्टर लाइक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बिल्कुल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, डाइएडेल्फस एंड्रोशियम एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल अपने पास कह सकते हैं प्लम, पीच, रोज एंड पी। पी यहां पर जो है इसके अंदर डाइएडेल्फस कंडीशन पर भी बात की थी अपन ने, इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, और जो यहाँ पर एस्टिवेशन है वो कौन सा है, वैक्सिलरी है, स्टैंडर्ड का है, विंग्स, उसके बाद में कील यहाँ पर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल भाई आपने अपने अच्छे से बात किया था कि अगर अपन इसके एस्टिवेशन की बात करें तो वैक्सिलरी, बिल्कुल, तो स्टैंडर्ड है ना, विंग्स लेटरल विंग्स, फिर आप जानते हैं कि आगे आपका क्या हो गया, ये कील, ठीक है। तो ये ओनली फैबेसी फैमिली पेपलोनेसी में होता है पी, बिल्कुल, एक तो ये इसका यूनिक कैरेक्टर हो गया, एक आप समझ सकते हैं कि वैक्सिलरी स्टेशन हो गया ना, डाइएडेल्फस एंड्रोशियम, तो 9+1 का अपन ने बताया, ये यूनिक डायग्राम भी आते हैं यहां पर, यस, और डाइएडेल्फस कंडीशन आ गई, और जाइगोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक आपका हो गया, ठीक है, जैसे आप समझ रहे हैं कि ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपकी हो गई, 9+1 डाइएडेल्फस आपका हो गया, और आप समझ रहे हैं कि मार्जिन, तो वहां आप जानते हैं कि मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, बिल्कुल, और यहाँ वेंट्रल सुचर आपके होते हैं, ये प्लेसेंटेशन आपका होता है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपका हो गया, क्लियर है, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा 4 हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, इन चाइना रोज द फ्लावर आर, गुड़हल में पुष्प होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा कि जो चाइना रोज है वो किससे रिलेटेड है, मालवेसी फैमिली से, तो मालवेसी फैमिली में अपन ने बताया कि भी एक्टिनोमॉर्फिक हो गया होगा, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होती है, और वहां ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपका होता है, तो यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, हाइपोगाइनस हो जाएगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो जाएगा, बात की थी अपन ने, इसके अलावा मोनोडेल्फस कंडीशन है, बिल्कुल क्लियर, और मोनोथिकस जो आपका एंथर है, क्लियर, और वहां पेंटाकार्पलरी पेंटालोक्युलर एक्सल प्रेजेंटेशन, पेंटाकार्पलरी पेंटालोक्युलर, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे पेंटाकार्पलरी पेंटालोक्युलर और एक्सल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये कंडीशन आपकी वहां पर होगी गुड़हल में, बिल्कुल चाइना रोज गुड़हल के अंदर, उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये बिल्कुल तीनों करेक्टर यहाँ करें, यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक ठीक है, लेकिन एपिगाइनस नहीं हो सकता, वॉल्वेट हो जाएगा, वॉल्वेट नहीं हो सकता है ना, जाइगोमॉर्फिक नहीं हो सकता, हाइपोगाइनस हो जाएगा, इम्ब्रिगेट नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन आप जानते ही हो जो ओवरलैपिंग और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जानते हैं, वहां आप चाइना रोज का फ्लोर देखोगे तो पैटर्न का एक किनारा अगले को ढकता ही जाएगा, बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग सो ऑन, बिल्कुल, और वो चलती जाएगी, तो यहाँ फर्स्ट आंसर सबसे बेस्ट है, अपने सारी बातें करवा दी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर हाइपोगाइनस फ्लावर, जो हाइपोगाइनस फ्लावर है इसका मतलब यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर हो गई, बाकी के पार्ट्स नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल, तो ये करेक्ट हो गया, देव सुपीरियर ओवरी, फ्लावर पार्ट्स प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ ओवरी, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस फ्लावर प्रेजेंट इन वेस्टर्न एंटीली, यस यस बिल्कुल सही, फैमिली सोलेनेसी कंटेन हाइपोगाइनस फ्लावर, रॉन्ग यहाँ पे चाहिए, क्योंकि भाई वहां कौन सा हो जाता है, थैलेमस कौन सा, बिल्कुल, और अब सबसे टॉप पोजिशन पे, टॉप पोजिशन को ग्रहण करती है कौन, ओवरी, ये टॉप पोजीशन पे होगी, तो ओवरी सुपीरियर, बाकी सारे क्या होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, तो ये सारे क्या होते हैं, इनफीरियर होते हैं, इसे नीचे हम इनफीरियर आपकी कंडीशन होती है, और अपने क्या कहा था कि जो हाइपोगाइनस कंडीशन है सुपीरियर ओवरी है, तो वो तो सोलिनेसी में, मालवेसी में, लिलियसी में, ब्रेसिकेसी में, बिल्कुल बिल्कुल है ना, और पेपलिनेसी में, इन सब में यही पाई जाएगी है ना, ऑलमोस्ट ही होती है, ऑलमोस्ट आपकी ही होती है, तो इसमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, आंसर यहां सेकंड होगा, ब्रेसिकेसी में और सोलेनेसी में हाइपोगाइनस कंडीशन ही होती है, ये ब्रेसिकेसी है, ये चिल्ली किसे सोलेनेसी में आती है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आप नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, बाइलोकुलर प्लेसेंटा सोलन विद मेनी ओव्यूल्स परसिस्टेंट कैलिक्स रिटेंड इन व्हिच प्लांट ग्रुप, द्विअंडपी, संयुक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, द्विकोष्ठीय बीजांड दर्शन, फूला अनेक बीजांड के साथ चिरस्थाई बाह्य दलपुंज, किस पादप समूह के होते हैं, सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा अश्वगंधा, बेलाडोना, बेलाडोना और चिली, क्यों, क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड है, एक ही फैमिली से रिलेटेड है, सोलानेसी,
और ये सारे कैरेक्टर जो आपको लिख रखे हैं वो सोलनेसी फैमिली के लिख रखे हैं। यहाँ देखिएगा टोमेटो बेलाडोना होगा लेकिन एलोय ये लिलियसी फैमिली का है, टोमेटो पोटेटो सोलनेसी का लेकिन ट्यूलिप ये लिलियसी फैमिली का है, ब्रिंजल चिल्ली हो गया लेकिन ग्लोरियसा ये जो आपका है ग्लोरियसा ये भी अलग फैमिली का आपका है, ट्यूलिप ग्लोरियसा ये भी लिलियसी फैमिली का है। सीधी बात, अब सोलनेसी फैमिली में क्या होता है, सोलनेसी फैमिली में आपको मैंने बताया था कि जो कैलिक्स सेपल है वो परसिस्टेंट होते हैं फ्रूट के बाद भी लगे रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका। फिर आपको देखो अपन ने क्या बताया कि सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, तो वहां आप जानते हैं कि हाइपोगाइनस होता है सुपीरियर ओवरी होती है। फिर देखो आपको क्या बताया बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो अपने अभी बताया था कि दो कार्पल है वो ओब्लिक्युली अरेंज है तिरछे व्यवस्थित है और दोनों कार्पल जहाँ फ्यूज हो रही वहां से सेप्टा अंदर आता है। बिल्कुल, और यहाँ सेंट्रल एक्सिस आपका है, यहाँ आपके ये ओव्यूल्स होते हैं। तो आप टमाटर को अगर ऐसे देखें तो आप जानते हो कि ये बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर एक्जल प्रेजेंटेशन सुपीरियर ओवरी आपको देखने को मिलेगी और ये कंडीशन हमेशा किसमें सोलनेसी में आपका है। और ये तीनों एग्जांपल आपके किस फैमिली के हैं, सोलनेसी फैमिली के, ऐसे देखना होता है। वैसे नेक्स्ट में अपन बहुत अच्छे से फैमिली के क्वेश्चन जो है वहाँ फ्लोरल फॉर्मुला फ्लोरल डायग्राम के साथ कुछ बातें करके तो और आपको रिलेट करेंगे। यस बेटा, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एपिगाइनस टाइप ऑफ ओवरी फाउंड इन। अब यहाँ पे ओवरी जो है उसकी कंडीशन दी गई है, फ्लावर यहाँ पर कैसा हो गया एपिगाइनस हो गया, तो ओवरी यहाँ पर कैसी हो गई एक तरीके से इंफीरियर ओवरी हो गई। तो अब पलम पीच और रोस्टो पेरिगाइनस के एग्जांपल हो गए, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। आपसे पूछा क्या एपिगाइनस का, यहाँ कोई एग्जांपल नहीं कि एपिगाइनस में जो रे फ्लोरिड ऑफ सनफ्लावर है, गुआवा है, ये भी कुकुम्बर जो घिया ये होते हैं वो होते हैं, तो यहाँ आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान दीजिए कि बेटा देखो अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो फ्लावर फ्लावर कैसे बोर्न हुआ, फ्लावर सिमेट्री क्या है, एस्टिवेशन क्या है, फ्लावर के जो फ्लोरल रूल है उनका थैलेमस पे इंसर्शन आपका क्या है, फिर जो फ्लोरल पार्ट है तो कैलिक्स क्या है आप जानते हो आउटर मोस्ट है, ग्रीन इन कलर है, यूनिट सेपल है, केवल प्रोटेक्शन करते हैं बड़े स्टेज में, कोरोला क्या है कलरफुल है, यस, और इंसेक्ट उनको अट्रैक्ट करते हैं, कोरोला जो पुष्प सुंदर रूप आपके देते हैं तो कोरोला, तो पेटल है तो पेटल्स का वहां पर एस्टिवेशन अपन बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं उसको आप अच्छे से क्लियर करें। फिर आप जानते हो एंड्रोसियम स्टेमन है तो वहां आप एडेशन कोहेजन को बात करें, और एडेशन के अंदर आप एपिपिटेलस और एपिफाइलस कंडीशन आपके आई। फिर आप समझ सकते हैं कि जो गाइनोसियम है कार्पल है प्लेसेंटेशन को एक एक चीज को क्लियर करें। और बेटा जो भी कुछ फैमिली के क्वेश्चन यहाँ पे आए तो अगले लेक्चर में अपन फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम के थ्रू पहले एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर करेंगे। जो भी अभी यहाँ पर कुछ सिम्बल्स आए तो सिम्बल सारे वहीं पर क्लियर होंगे, वो कि जैसे पेटल है तो पेटल के लिए अपन सी देते हैं कोरोला का, फिर आप जानते हो कि वो अगर पोलिपिटेलस है तो ब्रैकेट नहीं लेते हैं, गैमोपेटरा से ब्रैकेट लेते हैं, और यानी सारे जो सिंबल्स होते हैं अगले लेक्चर में बात करेंगे अपन उसकी, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, बोटनिकल लैंग्वेज होती है, वहां पर अपन बात करेंगे। तो बहुत अच्छी बात होगी, फैमिली के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे और इसमें अपन यहाँ यहीं तक आपका, तो बिल्कुल अच्छे से आप एंजॉय करें मॉर्फोलॉजी को। बिल्कुल, अगले के अंदर हम बात करेंगे एक तो सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, फैमिलीज के बारे में, प्लांट फैमिली के बारे में, बिल्कुल सारे कैरेक्टर है ना, तो बहुत अच्छे से अपनेंगे। थैंक यू, थैंक यू।